वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मैं प्लेटनबर्ग के कासल्टन रिज़ोर्ट में ठहरा हुआ हूँ पिछले दो दिन से। कल मैंने आप लोगों को पूरा अपना रिज़ोर्ट का टूर कराया था। आज प्रोग्राम है बीच की तरफ जाने का, दोस्त तैयार हो रहे हैं तो बीच पे निकलते हैं। असल में मकसद जाने का ये भी है कि बहुत ज़बरदस्त ड्राइव है अपना रिज़ोर्ट से लेके बीच तक की जो ड्राइव है, टाउन से गुजरते हैं, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है, वो भी आपको दिखाते हैं। और कल क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, मौसम बहुत गंदा था, इस वजह से कुछ शूट नहीं कर सके। आज मैं अभी अपनी बालकनी में खड़ा हुआ हूँ। ये देखें इतना ज़बरदस्त वैली है, यहाँ से आपको नज़र आ रही है। चले मेरा ख्याल है दोस्त सारे तैयार हो गए हैं तो मैं जाके उनको चेक करता हूँ और बस निकलते हैं। तो अब मैं देख के आके फिर बाकी आपसे बात करता हूँ। ये हमारी बेलकनी में ब्राई स्टैंड भी पड़ा हुआ है, डाइनिंग टेबल है, जकूजी भी है, लेकिन सर्दी की वजह से अभी तक हमने यूज़ नहीं किए। अगर कोई मौसम अच्छा हो गया तो शायद जब यूज़ करें। बाकी खैर है, निकलते हैं। मेरा ख्याल है कि साथी सारे तैयार हो गए हैं तो निकलने की तैयारी करते हैं। मेरा ख्याल है टाइम ज़ाया करे बगैर जो है ना हम निकल पड़ते हैं। चलें फिर इंशाल्लाह आपको लेकर चलते हैं, सारी बीच की ड्राइव वगैरह दिखाते हैं। टाउन की ड्राइव बहुत अच्छी है, बीच की तरफ जाते हुए बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, वो आपको दिखाते हुए निकलते हैं भाई। ठीक है, तो ये निकल पड़े हैं बीच की तरफ। आप ये सारी ड्राइव करते हुए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। कम लेट्स गो। प्लेटनबर्ग की बीच है,
और ये है बीकन आइलैंड होटल। गार्डन रूट के अंदर एक चीज़ ये अच्छी है कि यहाँ पे जितने भी आपको बीच मिलते हैं ना वो पहाड़ों के बीच में है, चाहे आप केप टाउन में हो, चाहे प्लेटनबर्ग में हो, नाइदना में हो, आपके जहाँ जितने भी मिलते हैं। वापसी जाते हुए मेरी कोशिश होगी कि मैं नेचर वैली की तरफ चलूँ, वो भी बहुत प्यारी जगह है और वो उसके तीनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में बीच है। ये हम आ गए हैं होटल के दूसरी तरफ, ये भी सारा बीच ही बीच है। यहाँ पे जहाँ तक नज़र जा रही थी बीच ही बीच नज़र आ रहे हैं। ये पब्लिक टॉयलेट और शावर, और ये इन्होंने पार्किंग दी हुई यहाँ पे। दूसरी तरफ जो है वो पार्किंग थोड़ी दूर थी बीच से, ये पार्किंग बिल्कुल ही नज़दीक है, बल्कि यहाँ बीच ही नज़दीक है।